अगर आप गाइस अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट है और आप पीएनबी वन यूजर आईडी बनाना चाहते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। इस तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। गाइस सबसे पहले तो आपको पीएनबी वन ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। फिर उसके बाद में आपको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको इसको परमिशन दे देंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोसीड टू लॉगिन आ रहा है, देन एक आ रहा है ओपन अकाउंट। अकाउंट तो आपका ऑलरेडी ओपन है, आपको अकाउंट तो ओपन नहीं करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रोसीड टू लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आप अगर आपकी यानी कि ऑलरेडी आपकी यूज़र आईडी यहाँ पर बनी हुई है तो आपको यहाँ पर सिंपल अपनी यूज़र आईडी डालनी है। और अगर आपने फर्स्ट टाइम यानी कि आप पहली बार इसके अंदर लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूज़र, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन विद आधार। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और अगर आपके पास यहाँ पर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड से कर सकते हैं। आधार कार्ड से अगर आप कर रहे हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी है, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना। तो गाइस मैं यहाँ पर आधार कार्ड से करता हूँ। आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू बटन मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, तो आपको अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर पैन कार्ड मांगा जा रहा है, या फिर आप यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर भर सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। तो गाइस मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू बटन मिल रहा है, कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखो गाइस मेरे सामने क्या ऑप्शन आ रहा है, यूजर आईडी इज ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर आपकी यूजर आईडी पहले से क्रिएट नहीं रहेगी तो आपको यहाँ पर ये आगे ऑप्शन दे देगा, आप यहाँ पर यूजर आईडी अपनी क्रिएट कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके करता हूँ और यहाँ से मैं बैक चलता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर करता हूँ प्रोसीड टू लॉगिन, देन गाइस मेरी यूजर आईडी जो है वो यहाँ पर मेरे याद है, तो मैं यहाँ पर अपनी यूजर आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद आपको साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका सिम पूछा जाएगा, आपका जो भी सिम है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ से गाइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू बटन मिल रहा है, आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। गाइस आपके सामने यहाँ पर एक बैंक की तरफ से OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिलअप कर देना। तो गाइस मैं यहाँ पर OTP को फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू बटन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपसे यहाँ पर 4 डिजिट का सेट MPIN कराएगा, तो आपको यहाँ पर 4 डिजिट का MPIN सेट कर लेना है। ये MPIN तब मांगा जाएगा जब आप इसके अंदर एंटर करोगे, यानी कि PNB वन ऐप के अंदर एंटर करोगे। तो मैं यहाँ पर एक अपना पिन बना लेता हूँ। उसके बाद आपको नीचे सबमिट बटन मिल रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपका MPIN यहाँ पर सक्सेसफुल सेट हो चुका है, अब आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको अपना MPIN यहाँ पर एंटर कर देना। आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर चालू हो चुकी है, और अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर से डेबिट कार्ड अप्लाई करना है या फिर और भी कुछ काम करना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा और आप उस वीडियो को देखकर इजीली अपना काम कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।